नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विवेक, मोर छत्तीसगढ़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का ब्लॉग है जंगल सफारी, जो कि हाथी एरिया है। और मेरे पीछे देख सकते हैं घना जंगल है, और मेरा बाइक जो है, इससे हम जंगल कुछ घूमने का प्रयास करेंगे, है ना। तो वीडियो पे बने रहिएगा और देखते रहिए। तो शुरू हो चुका है इतना घने जंगल, और इस जंगल में मैं सफ़र कर रहा हूँ। आप ओ रास्ता रास्ता चेंज रास्ता चेंज जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना घना जंगल, तो भी मैं अंदर घुसे जा रहा हूँ। देखते हैं कितना अंदर घुसते हैं। जंगल का मज़ा जंगल आने के बाद ही पता चलता है, लेकिन सामने से कोई हाथी आ गया ना तो मज़ा ना सजे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे आप मत जाइएगा, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है जंगल के बारे में, तो आप ऐसा मत कीजिएगा और वीडियो को देखते रहिए। पेड़ पौधे पूरे घने जंगल हैं, और रास्ता जो है रास्ता भी नहीं दिख रहा है, तो भी मैं अंदर घुसे जा रहा हूँ। सामने से कोई हाथी निकल गया तो मेरा क्या होगा। ओ भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, घुसे जाते हैं, कुछ आ जाएगा तो देखते हैं, मोबाइल छोड़ के भाग जाएंगे। सबसे पहले तो गाड़ी को पटक दूंगा, उसके बाद मोबाइल को नहीं छोड़ूंगा यार, क्योंकि मोबाइल में ब्लॉग बन रहा है ना। चलो पहुंच गए। मैं तो डर ही गया था इस घने जंगल को पार करते हुए, लेकिन बहुत मज़ा आया है। मेरा सांस तो फूल ही गया भाई। हाथी रहा तो पता नहीं क्या हो जाता, ये ब्लॉग बन रहा था ये भी नहीं बनता। सबसे अच्छा लगा ये वाला रास्ता, फिर कभी बनाऊंगा। एक बार ट्रैक्टर वाले में बनाया था, बहुत मस्त लगा। फिर कभी ये वाला जो रास्ता है ट्रैक्टर वाला वीडियो बनाया था, जो कि मैं नागर जोतने आ रहा था इधर को, है ना। हम लोग का खेत इधर बगल में है, पेड़ ज़्यादा नहीं है, एकदम खाली है, और इधर घना जंगल है, और जंगल में हमेशा हाथी रहते हैं, और हमारा ये क्षेत्र जो है ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।